वजीरपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ के लोग विरोध में सड़क पे उतर चुके हैं। केशवपुरम में झुक गई है, वहाँ के लोग विरोध में सड़क पे उतर चुके हैं। ऐसे पांच छह और जगहों में झुक गया है, गया बस्ती सब जगह लोग सड़क पे उतर रहे हैं। इसीलिए झुग्गी वालों को अभी तय करना है कि क्या हम ये फैसला मानेंगे। आप बताइए, मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे ना। झुग्गी उजाड़ने का फैसला तो मैं पूछ रही हूँ, मानेंगे? हमारा घर है, हम मेहनत करके चलाते हैं, ठीक है? कोई अचानक से आके बोल देगा कि तुम्हारे घर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे, हम तोड़ देंगे, हम मानेंगे क्या? नहीं। हमारा कोई गलती है कि हम इस शहर में रह रहे हैं, मेहनत के कमाई से शहर को चला रहे हैं? हमारे मेहनत से शहर चलता है, ठीक है? मंत्री जी के मेहनत से नहीं चलता। पीयूष गोयल जी जाके सुप्रीम कोर्ट में गरीबों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो तो एसी गाड़ी में चलते हैं, इसी बिल्डिंग में रहते हैं। हम लोग मेहनत करके शहर को चला रहे हैं, हमारे घर को उजाड़ा जाएगा तो हम मानेंगे क्या? हम किसी भी स्थिति में नहीं मानेंगे, और किसी भी स्थिति में हम झुग्गी उजाड़ने के फैसले का विरोध करेंगे, लड़ाई चलाएंगे। झुग्गी तोड़ने आएगा तो सड़क पे खड़े। हम सारे लोग, जितने लोग हैं, सब लोग ट्रेड यूनियन के लोग हैं, मजदूर यूनियन के, जो वामपंथी पार्टी है भाजपा वाले उससे है, छात्र लोग हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हमारे साथ आए हैं। और सिर्फ ये झुग्गी अकेला नहीं है, जैसे मैंने कहा दिल्ली भर में बाकी झुग्गियों से लोग भी सड़क पर उतरे। इसीलिए आज यहाँ से हम लोगों को फैसला करना है कि हम लोग किस तरीके से इस आंदोलन को शुरू करेंगे और जारी रखेंगे। क्या हम इस झुग्गी से हम लोग पहला विरोध, क्योंकि हम लोगों को पहले कहना होगा कि हम ये फैसला नहीं मानते, हम इसके विरोध में खड़े हैं। तो क्या आने वाले मंगलवार को हम किसी प्रोटेस्ट का दिन रखें? दिल्ली के अलग अलग हिस्से में झुग्गियों में लोग ये तय कर रहे हैं कि गलत होगा, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, भूख हड़ताल में भी बैठेंगे। क्या ये करने के लिए हम तैयार हैं? हम क्या करने के लिए तैयार है, इस बारे में अगर आप लोग थोड़ा बातचीत करें, आप सारे लोग, कुछ लोग यहाँ से आकर बात रखें और फिर इस आंदोलन को कैसे चलाया जाए, इस बात को हम लोग देखें। मेरा नाम सुचेता है, राजू की साथी ने कहा, और इस पूरे जो भी मुहिम लिया जाएगा, हमारा मजदूर यूनियन, ट्रेड यूनियन, एक्सू, हमारा पार्टी भाजपा वाले इस पूरे मुहिम के साथ है। दिल्ली के बाकी झुग्गी के लोग एक बात मैं बस अंतिम याद दिलाना चाहूंगी, आप लोग खुद बात रखिए कि क्या क्या किया जाए। लोकसभा चुनाव याद है 2019 का, और विधानसभा चुनाव याद है 2020 का। केंद्र में कौन से पार्टी बैठी हुई है? भाजपा, नरेंद्र मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादे ने ये कहा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वहाँ मकान। और आज नरेंद्र मोदी सरकार के ही रेलवे मंत्रालय, पीयूष गोयल जी भाजपा से है, नरेंद्र मोदी सरकार से है, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्ती जाके कह के आ रहे हैं कि झुग्गी वालों के चलते प्रदूषण में, प्रदूषण का रुकावट में दिक्कत हो रही। क्या इस झांसे को हम लोग मानेंगे? चुनाव से पहले आते हो हमारे झुग्गी में, आते हैं कि नहीं बताइए? दस्तावेज लेके आते हैं, चुनावी वादा लेके आते हैं, मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी वो कर देंगे, बैठने के लिए आते हैं? आज अभी चुनाव नहीं है, इसीलिए हमारे झुग्गी को सामने बुलडोजर खड़ा करोगे? हम क्या और कुछ नहीं है, सिर्फ तुमको वोट देने के लिए हम है? हम मेहनत करते, हमारा अधिकार है, घर का हमारा अधिकार है, ये हम किसी से भूख नहीं मांग रहे। हम दिल्ली शहर के रहने वाले हैं, घर, अपना घर हमारा अधिकार में आता है, और किसी का बुलडोजर, किसी रेलवे मंत्रालय का बुलडोजर, किसी मोदी सरकार का बुलडोजर अगर यहाँ पे आएगा, उसको हम घिसने नहीं देंगे, हमारा झुग्गी तोड़ने नहीं देंगे।
इस बात को हम लोगों को फैसला करना है। आप लोग बताइए, हम लोग अपनी ओर से ये कह सकते हैं कि आने वाले मंगलवार हम लोग झुग्गी यहाँ के सामने रस्ते में, ठीक है, यहीं पे कहीं हम लोग पहला विरोध प्रदर्शन इस झुग्गी के अंदर करेंगे और दिल्ली के बाकी झुग्गी वालों को कहेंगे कि हम लोग भी इस लड़ाई में शामिल हैं, चलो सब लोग मिलजुल कर लड़ते हैं, इस फैसले को हम लोग मिलेंगे।